बुझा ही नहीं, बुझ गया, इसे इसमें रखो, जल गया। सफर हो रहा है, 4 बजे हम पहुंचेंगे यार। फिलहाल नींद तो आ रही है पर सो ही नहीं पा रहे गाड़ी में। फिलहाल है चलने के लिए रेडी, तो चलते हैं। चलो करवा खड़ी है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत करता हूँ आपका एक और नए ब्लॉग में। फिलहाल तो बहुत खुश दिखाई दे रहेगी ना भाई। टाइम हो रहा है अभी सुबह के, मतलब सुबह के 7:03 हो रहा है, दिखाई दे रहा हो तो। आज जल्दी जग गई आज भाई, थोड़ा जल्दी जग गए दोनों के दोनों। ये देखो आज तो बहुत ही जल्दी जग गए हैं, नींद भी पूरी नहीं हुई है। टाइम कुछ सीन आज कुछ का ऐसा है कि आज गोवर्धन है, गोवर्धन बनाने तो भी चलते हैं गोवर्धन बनाने। और आज से हम 10 दिन के लिए जा रहे हैं बाहर घूमने घूमने, ये बल्ले बल्ले। तो आज से हम 10 दिन के लिए जा रहे हैं बाहर घूमने। तो आप ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। तो चलो चलते हैं, पहले गोवर्धन बनाते हैं। तो आज हमारे हम जल्दी भी चक गए, तो फिलहाल अभी रेडी होएगी नहाकर फिर निकलते हैं। बैग तो कल ही लगा दिए, बैग तो तैयार कर दिए। ये देखो एक ही रखा हुआ तैयार, एक ही रखा हुआ तैयार, दो बैग लगा के तैयार करते हैं। लेके कौन जाएगा? मैं ही जाऊंगा भाई, लेके तो मेरे को ही जाने पड़ेंगे। फिलहाल चलते हैं गोवर्धन बनाते हैं ऊपर। फिलहाल गोवर्धन बनाने के लिए तैयार, कर्मा बनाएंगी। तो चलो गोवर्धन बनाते हैं ऊपर चल के। आज ठंड से पड़ने लगी है, अब थोड़ा थोड़ा मौसम ठंडा हो गया है। चलो यहाँ बनाते हैं ऊपर गोवर्धन। भाई काजल पड़ रहा है, दिखाता हूँ। ये देखो भाई कैसे काजल पड़ रहा है हमारी छत पे, देख रहे हो कहाँ पे आग वाग लग जाए कोई चिंता नहीं है किसी को। तो अभी भाई छत पे लग रहा है पोछा वगैरह, क्योंकि यहीं बनेंगे गोवर्धन, तो पोछे वगैरह लगा के साफ करके फिर बनाते हैं। ऐसे नहीं करते हैं, पागल है, ऐसे नहीं करते। भाई गोवर्धन महाराज बन के हो गए हैं तैयार, एकदम कंप्लीट पूरा बना दिया इन्होंने। अगरमा पूरे गोवर्धन बना दिए इन्होंने, पूरे गोवर्धन कंप्लीट हो गए हैं एकदम। मैं दिखाता हूँ तुम्हें। फिलहाल चलते हैं भाई, अब नीचे गोवर्धन बन के हो गए हैं तैयार। चलो नीचे अब तैयार होते हैं, हम भी निकलते हैं, नहीं तो ट्रेन रन निकल जाएगा ही पता पड़े। फिलहाल आप जल्दी से नहा धो के तैयार होते हैं, नहीं तो ट्रेन रन निकल जाएगी। खाना पीना भी खाना है, नाश्ता भी करना है। चलो तैयार होते हैं। फिलहाल हम दोनों नहा धो के रेडी हो गए, अब हम जा रहे हैं गोवर्धन पूजा करने के लिए, इसलिए चलते आइए। चलिए आ जाओ मम्मी, सब लोग आ जाओ पूजा करने के लिए। पूजा करेंगे अब, ये गोवर्धन पूजा करेंगे। ये खड़े हैं तैयार रेडी होके, ये गोवर्धन करो पूजा। कैसे करना? हर काम तो करते हो। ये देखो देखो दूध पिला रहे हैं उन्हें, देखो अब ये अपनी मम्मी को भी दे रहे हैं। देखो मम्मी रोटी बना रही है ना, इस वजह से।
फिलहाल है चलने के लिए रेडी, तो चलते हैं। चलो गरमा मम्मी खड़ी है, हाँ पैर छू लो ऐसी, आशीर्वाद लेके निकलना चाहिए घर से। पापा तो सो रहे, पापा कैसे छू लो। चलो बैग ले लेते हैं, हम तो बैग लेके अब तो हम जा रहे हैं, चलो बाहर मिलते हैं। फिलहाल भाई दोनों घर से बाहर आ गए हैं। भाई बैग में इन्होंने पता नहीं क्या क्या रख दिया, बहुत वजन हो गया यार बैग में। एक खुदरा भी ले रखा है, पर कोई बात नहीं, मैं तो झेल लूंगा, खुदरा भी तो ले रखा है, तो अपना खुद देखेंगे। चलो चलते हैं, ऑटो पकड़ते हैं पुछते से, फिर मिलेंगे। फिलहाल ऑटो मिल गया है, तो चलते हैं रेलवे स्टेशन। भाई जल्दी निकले घर से, क्योंकि रास्ते में ना जाम वगैरह मिल जाता है ना, इस चक्कर में थोड़ा जल्दी निकलना पड़ा है। ट्रेन है 12:20 की, चलो चलते हैं। मेरा तो बहुत खुशी हो रही है भाई, ये तो काफी दिन जा रहे हैं, 10-12 दिन के लिए टूर पे, तो इस तरह से मेरे को नहीं हो रही, थोड़ा हो रही है। चलो चलते हैं स्टेशन में, मिलते हैं। मेला भी लगा हुआ है अभी तक, देखो अभी तक मेला भी लगा हुआ है। फिलहाल भाई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आ गए हैं, तो अब चलते हैं अंदर। यहाँ तो बहुत भीड़ हो रही है, वैसे तो ऑटो ही ऑटो लगे पड़े, पार्किंग है ना ये ऑटो की, तो बहुत भीड़ हो रही है यहाँ पे, ऑटो वाले यहीं छोड़ते हैं ना, तो तुम्हारे चलो अंदर चलते हैं। अब बहुत भीड़ हो रही है भाई, लाइन में लग गए अंदर जाने के लिए, बहुत ही भीड़ ज्यादा हो रही है। खैर कोई बात नहीं, चलो अभी तो बहुत टाइम है, हम तो जल्दी आ गए हैं, लाइन में लगे हुए हैं अपने आराम से, दोनों को बोलो अंदर चलते हैं धीमे धीमे, फिर मिलते हैं। भीड़ देखो भाई अंदर जाने के लिए, ऐसे लाइन ये घूम रही है, ऐसे 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 उधर जा रही है, बहुत भीड़ हो रही है भाई, सब देख रहे हो ऐसे, सब लगे हुए भीड़ से एकदम। लाल भाई मैं तो आ गया, वो रह गई पीछे पीछे रह गए, चलो कोई बात नहीं, खैर आ रही है वो भी, चलते हैं कोई बात नहीं, पीछे रह आते हैं, दूसरे गेट से भेज दिया था ना उसे, मारा। फिलहाल भाई आ गई है, अब चलते हैं प्लेटफार्म की ओर, अंदर तो आई गए, ट्रेन तो खड़ी हुई है अपनी, खैर कोई बात नहीं, चलो ट्रेन की तरफ चलते हैं, देखते हैं सीट वीट देखते हैं उसमें अपनी। फिलहाल भाई ट्रेन तो खड़ी है, टाइम तो है इसका 12:20, 12:30 बजे चलेगी, खैर पहुंच गए जल्दी, अब 1 घंटा है पूरा, 1.5 घंटा पड़ा हुआ है, चलो इतने टाइम बिताते हैं, देखते हैं कितनी देर भाई, किसका भी गेट ही नहीं खुला है यार, देखो अभी गेट ही बंद पड़ा है, अभी गेट खुला है, काफी टाइम लगेगा इतने भाई, घूम रहे दोनों को, दोनों क्या कर रहे हैं आप, यही घूमते हैं इतने, देखते एक तो इतनी तेज माइक बज रहा है, तो उसमें आवाज भी नहीं आ रही होगी इतनी तेज, चलो कोई बात नहीं वेट करते हैं। फिलहाल अंदर चलते हैं, गेट खुल गया है, चलो अंदर चल के देखते हैं, सीट देखते हैं, पूरा कुछ भर गया है, पूरा कुछ भर गया, चल चल के देखते हैं, आजा चलो भाई, थोड़ी सी साइड देना यार, ये वाली है, ये वाली है भाई, ये वाली है 78 जा, चलो भाई फिलहाल सीट तो मिल गई है, बैठ जाते हैं, विंडो साइड है, चलो भाई बैठ जाते हैं, चलो सीट तो मिल गई है, बैठते हैं अब सीधे मिलेंगे, अलग अलग सीट हो गई है, पर हम एक ही जगह बैठ गए, कोई नहीं मैनेज करते हैं। लाल भाई बैठ गए, अब तो ट्रेन चलने का इंतजार है, खैर अभी चलेगी, अभी तो आधा घंटा लगेगा चलने में, इतना वेट करते हैं भाई, बैठे हुए दोनों के दोनों, क्या करें, देखते किसी की सीट पर, दूसरे ये तो दूसरे की सीट पर बैठ गए, वो भी देखते हैं, इन्हें तो बड़ी खुशी हो रही है, जा रहे हैं ना काफी दिन बाद, तो इन्हें खुशी हो रही है बहुत ज्यादा, चलो वेट करते हैं ट्रेन चलने का। फिलहाल तो ट्रेन तो चल गई है, थोड़ा टाइम लगेगा पहुंचने में, चलो भाई मेरे को तो नींद आ रही है, तो थोड़ी देर सो लेता हूँ, चल तो भैया 7-8 मिनट लेट चलिए कोई बात नहीं, पर खैर टाइम तो पहुंचा देगी, चलो कोई बात नहीं, इतनी देर हो गई बैठे बैठे नींद आने लगी, क्या करेगा बंदा, हाँ सो जाते हैं भाई, थोड़ी थोड़ी सो लेते, रस्ते मिलेंगे, थोड़ी देर सो लेते, कोई बात नहीं, रस्ते मिलेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
फिलहाल भाई टाइम हो गया दो दो बज चुके हैं और भाई गाड़ी आ गई है खुर्जा स्टेशन पे। चलो खैर कोई बात नहीं, अभी 2 घंटे का सफ़र और है, 4 बजे हम पहुँचेंगे। यार फिलहाल नींद तो आ रही है पर सो ही नहीं पा रहे गाड़ी में, आवाज़ इधर उधर से देर भर आवाज़ आ रही है, सो ही नहीं पा रहे, कभी ऐसे लड़क जाते हैं कभी इधर लड़क जाते हैं, सो ही नहीं पा रहे। चलो कोई बात नहीं खैर चलते हैं, फिलहाल भूख और लग रही है यार तेजी में, कुछ रखे भी लाए हम तो, खैर कोई बात नहीं, भूखा ही रहना पड़ेगा। अब तो भाई जब सफ़र पूरा हो जाएगा ना तभी खाएंगे कुछ करके, अब तो भूख लग रही है, क्या कर सकते हैं अब। यार कोई बात नहीं चलो बैठे हैं ऐसे, कोई बात नहीं, तुम मत खाना भाई, मैं खा लूंगा, मिले तो भाई मिले तो सही यार, पर मिल ही नहीं रहा, चल कोई बात नहीं मिलेगा तो ले लेंगे कुछ खाने के लिए, भूख भी बहुत तेज लग रही है। बंदर महाराज जी मिल गए हमें यहाँ पर, खाना खा रहे हैं, भूख तो हमें लग रही है यार, खुर्जा स्टेशन पे है, खुर्जा स्टेशन पे बंदर जी खा रहे हैं, अभी इनका पहुँच डाले जाए तो इन्हें कोई चिंता नहीं है। लाल भाई भूख लगी थी तो क्या खा रहे हैं, मटर मटर खा रहे हैं, ओम पूरी बनने हो गया, चने खा भूख मिट गई, ये मेरे को मटर खा के मिटा रही है, मटर खा के मेरी भूख मिटा रही है। चलो कोई बात नहीं मटर ही खा लेते हैं, अभी स्टेशन दूर है, अभी आने में थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं मटर से काम चलाते हैं। फिलहाल हो गया भाई उतरने का टाइम, अगला स्टेशन है वो है अपना, टाइम भी काफ़ी हो गया, आउटर तो देर भर खड़ी हुई आती है, ऐसी ट्रेन है यार, कोई नहीं चलो नेक्स्ट स्टॉप पर ही जाएंगे, फिरोजाबाद पहुँच गया क्योंकि सुखाबाद इनके घर है तो अभी जा रहे हैं इनके घर पर, कोई नहीं अगला स्टेशन है, अगले पर उतरते हैं फिर कुछ उतर के खाएंगे, पहले हाथ में धोएंगे फिर खाएंगे। अंदर से कुछ इस तरह की ट्रेन है भाई, देखो कैसे बैग लगे हुए हैं, लाइन से पंखे लगे हुए हैं, इस तरह की है वो बैठना देखो, इस तरीके की है कुछ। लाल भाई स्टेशन आ गया, हम तो बैग लेके आ गए दोनों के दोनों, किसी ने सही कहा है, सबसे ज्यादा खुशी होती है ना वो ही, सुबह से बहुत खुश है, आज के घर जा रही है ना अपने इस मारे, स्टेशन आ गया, परसों देखो ना परसों के ब्लॉग में कैसे थे, मुंह खुला रखा था इन्होंने, बोल बात भी नहीं कर रहे थे, मैंने बोला था इनसे तो बात भी नहीं कर रहे थे, हाथ देखो आज कितने खुश है, काली हो गई मैं, काली नहीं हो गए, वो तो धूल मिट्टी चढ़ गया ना सुबह से, तुम्हें तो जरूरत ही नहीं पाउडर लगाने, तुम्हें तो लग ही गया, धूल मिट्टी लग गई सुबह से चले हुए हैं, आंखें भी ऐसे लाल हो गई हैं, तो हम उतरते हैं, उतर के हाथ में धोएंगे फिर चलेंगे आगे, पहले फिर कुछ खाएंगे फिर आगे चलेंगे। चलो तो बयान देना भाई, अभी उतरना आराम से, चलो भाई आ गए उतर गए, ट्रेन को बोल देते हैं बाय बाय, जाओ बाय बाय, ट्रेन को बाय 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 बोल देते हैं आप, बहुत काफ़ी देर लग गई आने में यार, सुबह के चले चले भाई, धूल मिट्टी हो गई है, चलो हाथ मुँह धोते हैं। फिलहाल भाई अब थोड़ा हाथ मुँह धोने के बाद ना अब अच्छा फील हो रहा है, अब अच्छा लग रहा है, ये भी अभी धो रहे हैं, मैंने तो भाई धो लिया, बहुत अच्छा फील हो रहा है यार, अब आँखों में ना पूरे में धूल मिट्टी ऐसा भर गया था, अब थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, अब चलते हैं बाहर, अब बाहर निकल के कुछ खाते हैं फिर चलाएंगे इनके घर, अभी तो बहुत रुमाल निकाल लो मेरे लोगे, देख लो रुमाल ही मेरे चाहिए ने, अपने घर जाने की खुशी कुछ अलग होती है ना इस मारे, चलो खैर कोई बात नहीं बाहर निकलते हैं कुछ खाते हैं फिर यार ऑटो पकड़ेंगे फिर चलेंगे घर इनके, अपने मायके आने की खुशी किसी नहीं होती है, क्या बोल रहे हो दोबारा बोल रहे हो, एक बार कह रही हूँ अपने मायके आने की खुशी किसको नहीं होती है, अच्छा बहुत खुश है यार, चलो कोई बात नहीं, बहुत दिनों बाद आई है, 1.5 साल में आई है, चलते बाहर, चलो भाई पार करते हैं बाहर निकलते हैं, ट्रेन की पटरी वैसे पार करना पड़ता है यहाँ पे, ऐसी है सिस्टम, चलो बाहर चलते हैं, देख रहे इधर से लेके आए ट्रेन की पटरी पैसे, ये नहीं है कि उधर से आराम से फ्लाई ओवर से पार करवाएं, ट्रेन की पटरी पर घुमा रहे हैं मेरे को, अभी ट्रेन मेरे ना जाए दोनों के दोनों उड़ जाएंगे तब सही रहेगा है, चलो खाना पीना कुछ नहीं, सीधे ऑटो पकड़ लिया है, क्या करें भाई, इनके आए कुछ नहीं खवाएंगे, वैसे भी ले जाएंगे सीधे, चलो चलते हैं आगे, यहाँ उतरेंगे ना तीर्थगंज वहाँ खाएंगे कुछ, खिलाएंगे ना भूख लगी है ना तो खवाएंगे, सुबह से यार कुछ नहीं खाया, चलो कोई बात नहीं वही खाएंगे, वेट करते हैं थोड़ी देर बाद बैठ लेते हैं ऑटो में, 10-15-20 मिनट पहुँच ही जाएंगे फिर वहीं अलग खाते हैं कुछ। I don't know why you left me bleeding With a broken heart tell me if I deserve this feeling I thought that you knew that we
फिलहाल भाई ऑटो से उतर के अब गलियों में आ गए हैं। अब यहाँ से पहले ढूंढते हैं खाने की व्यवस्था, पहले कुछ खाते हैं, भूख तो लगी रही है, ये तो खवाएंगे नहीं, अपने आप देख लेते हैं। तो चलो फिलहाल भाई पेटीज खाते हैं, यहाँ की पेटीज अच्छी लगती है, तो पेटीज आ गई, पेटीज खाते हैं, पेटी अच्छी है, यहाँ की पेटी अच्छी मिलती है यहाँ पे। फिलहाल भाई पेटीज खा लिए, अब थोड़ा आराम पड़ा पेट में, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। सुबह से यार इन्होंने ना ऐसी भूखा ली आई, मतलब मेरे घर से है उठा के, भाई अपने घर जा रहे हो तो मतलब दूसरे बंदे को तुम भूखा रखो है, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, अब चलते हैं। भाई मिठाई की दुकान है यहाँ की, फेमस फेमस दुकान है यहाँ की, ये घड़िया देख रही है मिठाई, ये नहीं आकर ले ले, यहाँ से ले लो ना, ऐसे लगी तो है, होपलेस हो रहे हैं यहाँ के भाई, फेमस दुकान है इनकी यहाँ की, वो जिस तरीके से मिठाई लगी हुई है। चलो मिठाई पैक करा लेते हैं यार यहाँ से कुछ, फिर चलते हैं आगे। फिलहाल भाई सामान वगैरह पैक करा लिया, अब चलते हैं सीधे घर, आपका इन्हें रुकना है, अब सीधे घर चलना, जा जा दोनों ठीक है, अब सीधे घर चल लो, रात हो गई है। फिलहाल भाई गर्मा के घर पर आ गए हैं तो भाई यहाँ पे ना सब सो रहे हैं, अंधेरा सा हो रहा है, तो चलो कपड़े वपड़े चेंज करते हैं, एक चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें अभी रुको। फिलहाल भाई देखो एक चीज़ दिखाऊँ आपको, ए इसे ऐसे उठाओ, वो बुझा ही नहीं, बुझ गया, इसे इसमें रखो, जल गया, मैजिक वाला दिया है, तो मैजिक वाले दिए थे वो, तो अब चलो कपड़े वपड़े चेंज करके भाई चलते हैं सोने। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।